ये भाई चलिए ये झाड़ी हटाओ साले झाड़ी आराम से सरदार कोई नहीं दिख रहा वो देखो एक बाबा आ रहा है सरदार आपका तो 49 मर्डर पूरा हो गया है आज लग रहा है 50 हो जाएगा पूरा आज 50 कर देना है चलिए तब आज बाबा को दे रहा है जो भी बाबा पैसा लिया होगा सब बाबा से लेना चलिए आराम आराम से आराम से सरदार लगता है रास्ता भटक गए हैं क्या ये चलते हैं हे बबुआ बबुआ जितना सामान ले कुल दे दे आज जान से मारा 50 पूरा कर दे बबुआ आज जल्दी दे बबुआ ए महाराज ए महाराज कुछ सामान दे दी मारा मत जान से मत मारा महाराज ले आई सामान ने हे बबुआ निकल सामान ले जान से कर मर पे सामान ले कुल हमार बबुआ सुन हम आज तक जिकल लूटे हैं आज जिंदा तक नहीं छोड़े कि मौत से घाट उतार दे बबुआ हे बालक ऐसा काहे कर रहे हो बालक हमारा बात सुनो हमारा सामान सब ले लियो हैं तब काहे के लिए मार रहे हो ए बबुआ हम बिना मारे आज जिकल लूट लिया हो के मार के खत्म आज तक नहीं छोड़े बबुआ बता दे थे ए महाराज बता नहीं जान सा रुपया पैसा कुल ले ले लेकिन छोड़ दे जान से जान से अगर मर जितना ले बबुआ सामान तो कुल ले ले तोर मगर जान से तो के मार दे ए भैया के बात पूछी तो से बोल बबुआ अच्छा बताओ कि तू कुल है ये लूट पाट चोरी हत्या करत है किकरे बदे करत है कुल घर परिवार बदे के बबुआ घर परिवार अच्छा बता जन पाप करत है तो फिर घर जाके पूछे है का उ सब तोरे पाप का भागीदारी बनी है बबुआ होशियार मत बन हम जाई पूछे तो पेड़ पे भाग जाबा नहीं मम काल के सच्चे भक्त हैं महादेव के सच्चे भक्त हैं हम कहीं नहीं जाएंगे हम बैठेंगे यहीं पर जाओ बैठेंगे नहीं बबुआ हम भैया बताई ना तो के नहीं बिसा हमके बांध दे तू हम ने रसीलिया बांध दहा बांध तू जा करे अपने हैं अपने मेहरारू से अपने बाऊ से पूछ ले कि जो तू पाप करत है ना हां बाबा का ओकर भागीदार बनिया उ सब जब पूछ ले बाबा जब तू जावे पूछ ले भगवान घर में जावे जब वहां पाप तोरे गणना होई का तो भागीदार बनिया तब पूछ के आओ पहले चल पूछा दी बाबा पहले तो के बांध तब ओके बाद पहले जाब नहीं से बाबा चल ठीक हो भैया बांध दे चल बाबा जब से न बांध तब से घरे न जा पूछे चलवा रस्सी निकाल पार इली रस्सी हे बबुआ पानी पकड़ के पकड़ चलवा के बबुआ आग बांध के आ तब से तो किना बांध तब तक मानम चल पीछे कर बालक तुम मैं ए बालक मैं कहीं नहीं जाऊंगा मतलब बबुआ दुनिया खम चलाई बबुआ तू हमें चलाओगे चल बबुआ बैठ चल बैठ रही बबुआ सुन बबुआ इधर जाए मत गिर मर जाएगा बबू हाँ अपने हाथ से मारा तो वहाँ 50 पूरा हो तुम अपने घर जाओ जाओ पहले पूछ के आओ जो तुम पाप करो क्या उसके भागदार बनेंगे मैं तो यही बेटा कि मैं कहने जाऊंगा जाओ पहले सुन बबुआ हम तो जाते पूछे घरे मगर इधर जाए मत ना गिर मर जाबे हमारे हाथ से मौत तो लिखा बा तो हो 50 पूरा करा बबुआ जान दे हम जाते जाओ 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 तुम ना पहले जाओ पूछ के आओ उसके बाद जो तुम चाहे जो भी करना जो तुम्हारे अरे प्रणनाथ आप इतना जल्दी कैसे आ गए मैं एक सवाल पूछने आया हूँ मैं रास्ते जा रहा था वो एक बाबा दिखाई दिया मुझको बाबा को सब सामान सब कुछ छीन लिया मारने जा रहा था तो बाबा बोला जो पाप कर रहे हो किसके लिए पाप कर रहे हो के लिए काम कर रहे हो मैं बोला परिवार के लिए कर रहा हूँ बाबा बोला जाओ सवाल किया कि जाओ परिवार वाले से पूछ कराओ कि हमारे पाप का भागधारी होंगे जो हम पाप कर रहे हैं उसका भागदारी बनोगी मैं तुम्हारे पाप का भागदारी नहीं बनूंगी पाप कर रहे हो तुम तो मैं क्यों बनूं आज आज चल सिर्फ बाऊ से पूछी उन्हों से भागदारी हुई ना ए बाऊ सुना जो न हम पाप कर ले पाप कर ले उसका भागदारी बनवा ना का भल पहले बताऊ बे ए बाऊ समझा जाकर बबुआ के मारे कल है कि जो हमें मारा था अपने परिवार से पूछ के अब
कि पाप के भागदारी बनबो तो ना हमरे भाग सर, हम तोरे पाप के भागदारी काहे बनब है? जो भाग न बनबे नहीं हम ना बनब। चलो मत बना आज। दुनिया बड़ी स्वार्थी बा। हे महाराज माफ करो, हे महाराज माफ करो। रसी रसी महाराज पहले महाराज माफ करो महाराज। आज अरे का बोल छी अब का बोल। हे महाराज छोड़ दे अपने। महाराज जो सवाल कह रहा कि जा पूछ के आप परिवार से हमारे मौत के परिवार वाले भागदारी बनेंगे तब का बोल का बतांग घर वाले बोले बाबा नहीं हम नहीं बनेंगे। मेरा रूप बोलते नहीं बाबू कथन नहीं पाप करो तुम पाप को भागदारी हम बना। जानते हो बाला कि दुनिया ऐसे ही है सब मोह माया है। आज की दुनिया में कोई कोई नहीं है। अकेले आए हो अकेले जाओगे। धरती पर आए हो तो कुछ जानते हो ना जो भी है पुण्य का काम करो किसी को मारो मत हो मेहनत करके मेहनत करके कमाना सीखो। हे बाबा सन्यासी लेते बाबा साथ ले ले बाबा। सिर्फ ने मोह माया है इस संसार में कोई कोई नहीं है हर चीज के पीछे स्वार्थ छिपा है। बाबा आज दुनिया में मैं 50-49 लोग को मार दिया कोई संसार उठा लोग को मार दिया कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला बाबा। तुम्हारे जैसे ज्ञान मिलेगा बाबा मिलना चाहिए बाबा। कोई ज्ञान देने वाला नहीं था बाबा। हे बालक मेरा उद्देश्य यही था है? देखो जो आप सवाल कर लिए कि जाओ परिवार से पूछ कर आओ। देखो हमारी बात सुनो संसार में आए हो तो कुछ करके कमाना सीखो मेहनत करना सीखो है दूसरों की भलाई करो किसी के भी कर्म बुरा मत करो और बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ ही बुरा होगा। इसका सभी लेखा जोखा होता है हैं? आज दुनिया में कोई कोई नहीं है। आज बात कुछ नहीं कहेंगे भगवान के सन्यास मिलेंगे चलेंगे उनके चरणों में भगवान से एक बार दया मांगेंगे भगवान जितना माफ पाप करे उतना माफ कर दे भगवान। बाबा तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला ज्ञान देने वाला बाबा। आज बात हम ऐसा पाप नहीं करेंगे बाबा नहीं करेंगे। चलो ठीक है बाबा बालक मेरा भी इच्छा था उस आज की बात पाप नहीं करेंगे बाबा तुम्हारा सम्मान। बाबा लो बाबा ना समझ लो बाबा। बेटा इसका कोई मोह माया नहीं है। नहीं बाबा तुम्हारा जानते हो बाबा मैं वास्तव में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था ये सब में कुछ नहीं है। कुछ नहीं बाबा कभी ऐसा नहीं करेंगे बाबा माफ करो बाबा माफ करो बाबा।